मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग में काम कर रहे एक मजदूर की नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया। अपहरण की खबर लगते ही पुलिस महकमा सक्रिय हुआ और आसपास के थानों को सूचना दी गई और किशोरी की जगह जगह तलाश की गई। पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ के चलते चंद घंटों में ही पुलिस ने नाबालिग किशोरी को दस्तियाब कर आरोपी को धर दबोचा है। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड ए टू जेड ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मिली जानकारी के मुताबिक बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत हिंगटी रोड पर निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग में काम कर रहे एक मजदूर की 15 वर्षीय बेटी शौच के लिए निकली, तभी एक आरोपी दादूराम कोल पिता प्रेमचंद कोल निवासी जिला शहडोल किशोरी को अपहरण कर ले गया। पुलिस को जब इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो पुलिस महकमे ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल आसपास के थानों को सूचित किया और किशोरी की तलाश शुरू की गई, जहां आरोपी को भनक लगी कि पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है, तो डर के चलते आरोपी किशोरी को छोड़कर फरार हो गया, जहां पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी दादूराम कोल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए कुछ घंटों में ही किशोरी को दस्तयाब कर लिया है। एक 15.5 साल की किशोरी के अपहरण की सूचना मिली थी निर्माणाधीन सीएम राइज पब्लिक स्कूल के पास से। कोई अज्ञात व्यक्ति उसको अपहरण करके ले गया है, तो सूचना पर इस पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में अपहर्ता की तलाश की गई, जिसको हिंगटी रोड के पास से दस्तयाब किया गया था। और उसके कथन के आधार पर प्रकरण में जो आरोपी था दादूराम कोल, ये शहडोल तरफ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया है। बीना से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल, मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर।